ने भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है, चाहे वह गरीबों के लिए मकान हो, गरीबों के लिए शौचालय हो, गरीबों के लिए राशन की सुविधा हो, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हो, या तमाम एक लोक कल्याणकारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनकी 74वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि अपने नेता के स्मृतियों को बनाए रखने के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई के साथ सम विषम परिस्थितियों में खड़े होकर के हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा था बारिश, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी और तब भी यहां पर आप सभी अपना दल के कार्यकर्ता मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने नेता के सम्मान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। देश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था न केवल पटरी पर लाई है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के कल्याण की भी यात्रा जिन्होंने चलाई है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी,